बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 34 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं, कलंदर जात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 34, सफा नंबर 323 से। यहाँ गाड़ी आती है दूध लेने के लिए। जब वो वापस जाएगी तो मैं उसमें तुझे बिठा देंगे। वो इस कस्बे में जाती है। बड़े ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जैसे आप लोगों की मर्जी। आपका इतना बड़ा एहसान है कि आपने रात यहाँ ठहरने दिया। वैसे मैं पैदल भी चला जाऊंगा। मैं मायूसाना अंदाज में बोला, नहीं यार, तुझे सड़क तक छोड़ देंगे। उनमें से छोटे ने हंसते हुए कहा। तभी जरा फासले पर बड़ी झोंपड़ी की छत पर से एक बंदा उतर आया। वो उनका तीसरा भाई था। उसके हाथ में गन थी। वो मुझे गौर से देख रहा था। वो उतरा तो छोटा वही गन लेकर ऊपर चला गया। मुझे इनकी हुदेतमादी की वजह समझ आ गई। मैंने खूब शेर होकर खाना खाया था, इसलिए मुझे लेटते हुए फिर नींद आ गई। लेकिन ये नींद बड़ी कच्ची थी। कुछ देर बाद यूं ही हड़बड़ाकर उठ बैठता, जैसे बेचैनी अंदर भर गई हो। मुमकिन है अजनबी जगह होने के बायस ऐसा हो रहा हो, या शायद कुछ देर पहले जो थोड़ी सी नींद ली थी उस बायस हो। बहरहाल मैं कच्ची पक्की नींद में पड़ा रहा। रात का न जाने वो कौन सा पहर था, जब मुझे लगा कि माहौल रोशनी से नहा गया है। एक लम्हे को तो यूं लगा जैसे दिन चढ़ आया है, मगर जैसे ही मैं अपने हवासों में आया तो मुझे समझ आई, किसी गाड़ी की तेज रोशनी बाड़े की तरफ पड़ रही है। कुत्ता बड़ा अलर्ट अंदाज में उनकी तरफ देखकर यूं खड़ा था जैसे अभी झपटने के लिए छलांग लगा देगा। ऐसी ही एक फोर व्हील दूसरी तरफ रुक के खड़ी थी। मैं अभी सूरत हाल समझ ही रहा था कि बड़ा भाई तेजी से बाड़े में आया और मुझसे बोला, यार तूने जो कहा वो सच है, उसकी तस्दीक हो गई है। ऐसे सच्चे बंदे का हर तरह से साथ देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, हमारी ही बस्ती के एक बंदे ने अपने भोलपन की वजह से तुम्हारे बारे में बता दिया है, और उसने इनसे झूठ बोल दिया है कि तुम आए थे लेकिन शाम ही के वक्त तुम चले गए थे। मैं जानता हूं वो तस्दीक के बगैर नहीं टलेंगे, इसलिए तुम निकल जाओ यहां से। निकल जाऊं, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर मैंने अपनी हवास पर काबू पाते हुए कहा, मगर वो हैं कौन? वो शाहजेब ही के लोग हैं, उन्होंने ही हमला किया था। वही अपने साथ पुलिस लगाकर लाए थे। इस वक्त अगर वो यहाँ आए हैं तो हमारे इलाके के बड़े जमींदार पीर साईं के बंदों को साथ लाए हैं। हम पीर साईं को इनकार नहीं कर सकते। हम तुम्हें छुपाकर भी नहीं रख सकते कि फिर बाद में शिकवा आएगा। तुम निकल जाओ, उसने यूं कहा जैसे अभी रो देने को हो। अगर हम पीर साईं के पास चले जाएं तो, मैंने यूं ही एक ख्याल के तहत कहा, वो तुझे पकड़कर शाहजेब को दे देगा क्योंकि वो तुमसे पहले उनके पास पहुंच गए हैं। तू देर न कर और निकल जा। जिंदगी रही तो सुबह तक तुझे कोई न कोई बस्ती मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैंने पिस्टल उठाकर उड़सा जूते पहने और उस तरफ चल दिया जिधर बड़े भाई ने इशारा किया था। वहां बाड़ में से एक छोटा सा रास्ता था, उस तरफ अंधेरा था। मैं उसकी तरफ से ही निकला था कि काफी सारे लोग बाड़ की तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैं खामोशी से दबक कर बैठ गया। बिलाशुबा उन्हें यकीन ना आया हुआ और वो तस्दीक करने बाड़ की तरफ आ गए थे। उसी लम्हे बड़ा भाई तेजी से झोंपड़ी में छुप गया। अब मेरा वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा, अपनी हिम्मत जमा की और जिधर मेरा मुंह हुआ उधर चल पड़ा। मैंने अपने तई सड़क की तरफ जाने वाले रास्ते को ही अपनाया था। मैं तेज तेज कदमों से चलता चला गया। रास्ते में झाड़ियां हेओलू की मानंद लग रही थी। अगरचे मैं समझता था कि इंसानी जहन जब खौफजदा हो तो वो अपने ही बनाए हुए हेओलू से डरता रहता है, मेरा भी कुछ ऐसा हाल था। यूं लग रहा था कि जैसे अभी किसी झाड़ी की ओर से कोई बंदा बरामद होगा और मुझ पर झपट पड़ेगा। इसके अलावा मुझे सहराई जानवर से भी मोहतात रहना था। मैं बढ़ता चला जा रहा था। चांदनी रात होती तो शायद मैं इतना नहीं घबराता, लेकिन मौत का खौफ और जिंदगी बचाने का हौसला मुझे आगे ही आगे बढ़ाए लिए जा रहा था। न जाने मैंने कितना सफर किया था। मेरे हल्क में कांटे पड़ चुके थे
और जबान खुश्क हो चुकी थी। मशरक की जाने से सुबह की सुर्खी नमोदार हो गई थी और मेरी टांगे थकन की वजह से जवाब दे रही थी। अंधेरा होने के बायस मुझे कोई बस्ती भी नजर नहीं आ रही थी। मैं रुकना नहीं चाहता था। मुझे यूं लग रहा था कि अगर मैं रुका तो शायद मैं गिरते ही बेहोश हो जाऊंगा। मैं बेताबी से सूरज के निकलने का इंतजार कर रहा था। जिंदगी में कभी भी मुझे सूरज देखने की इतनी बेताबी नहीं हुई थी। मैं अपने आप को संभालता हुआ चला जा रहा था। मेरे दिमाग में साए साए हो रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो रही है। धुंधले का सा फैल रहा था। इर्द गिर्द का मंजर थोड़ा और वाजिया होने लगा तो मुझे एक ऊंचा टीला दिखाई दिया। मैं उस पर चढ़ने लगा ताकि दूर दूर तक देख सकूं कि कोई बस्ती है या फिर कोई जिंदगी के आसार हैं तो मैं उसकी तरफ जा सकूं। मैं टीले पर चढ़ गया। उस वक्त मुझे सख्त मायूसी हुई जब दूर दूर तक लकदक सहरा था और झाड़ियां थी। एकदम से मेरा हौसला जवाब दे गया और फिर मुझ में उठने की सकत ही न रही। मैं अपनी माँ को न चाहते हुए भी याद करने लगा। उसका चेहरा मेरी निगाहों के सामने था। मैं उससे बातें करना चाहता था लेकिन जुबान को हरकत नहीं दे पा रहा था। मैं रोना चाहता था मगर रो नहीं पा रहा था। अचानक मेरी माँ की ओट से सोने की झलक दिखाई दी। मैं उससे कहना चाहता था कि मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं उससे कह नहीं पाया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। काफी दूर खड़ा चाका मेरे पास आना चाहता था पर वो न जाने क्यों नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता था लेकिन बढ़ नहीं सकता था। मैं बेहिस्सो हरकत हो गया था। हिलने की सकत भी नहीं बची थी। मैं चीख कर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता था पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। हवा की साएं साएं कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। रंग बिरंगे सितारों की कहकशाएं लग गईं। वो बुलबुलों की तरह इधर उधर फैल रहे थे। इस दौरान अम्मा सोहनी और छाके मादूम होते चले जा रहे थे। मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहता था मगर ना चाहते हुए भी नींद में डूबता चला जा रहा था। मुझे अपना होश नहीं रहा। नया पैराग्राफ। जसपाल और राणा चरण सीट मिल जाने पर बैठ गए थे। तभी जसपाल ने मनाली को सेल फोन पर पैगाम के जरिए बताया कि वह किस सूरत हाल में है, जिस पर मनाली ने जवाबन पैगाम भेज दिया कि फिलहाल वो सेसर पहुंचे, वहां से फिर आगे जाना है या अमृतसर की तरफ से जो भी होगा वो तय करके बताते हैं। ताहम पुलिस पूरे जोरों शोर से तलाश कर रही है। इसके लिए वो जदीद तरीन आलात की भी मदद ले रहे हैं। इस कत्ल का शोर इसलिए भी न्यूज चैनल पर ज्यादा है कि रविंदर सिंह एमएलए के दूसरे बेटे का कत्ल था। अभी तक खुद रविंदर सिंह का बयान जारी नहीं हुआ था क्योंकि वो दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था। हालात बहुत कशीदा थे। वो एक दूसरे से पैगाम रसानी कर रहे थे कि अचानक राणा चरण यूं तड़पा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। क्या हुआ? जसपाल ने हैरत से पूछा। वो देखो सामने सड़क पर, उसे सरगोशी में कहा तो जसपाल ने सड़क पर देखा। जो कार उन्होंने कुछ देर पहले स्टॉप पर छोड़ी थी वही कार सड़क पर थी। इसके साथ पुलिस की गाड़ियां जा रही थी। बिलाशुबा वो उनके करीब पहुंच चुके थे। ये बेईद नहीं था कि वो बस रुकवाकर उसकी तलाशी लेने लगते। पुलिस दुरुस्त समत में उनका ताकुब कर रही थी। अगले स्टॉप पर या कहीं भी तलाशी मुमकिन थी। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। पुलिस घेर रही थी और वो घेरे में आ जाने वाला था। अब ये तो नहीं हो सकता था कि चलती हुई बस से छलांग लगा देता। क्या उसे फौरन बस छोड़ना होगी या फिर सब्र से काम लेते हुए बेनियाज बने रहना चाहिए? क्या वो इसे पहचान लेंगे? तभी उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। सुकून से बैठे रहो, जसपाल ने आहिस्तगी से कहा और मनाली को पैगाम भेज दिया कि सूरतेहाल क्या है। चंद लम्हों के बाद उसका फोन आ गया। सूरतेहाल खतरनाक हो गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आसाब ढीले छोड़ दो। मुझे वहां से निकलते हुए कुछ देर हो गई है। मैं कुछ देर बाद घर पहुंच रही हूँ। मैं फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तब तक उसने मुहतात अंदाज में कहा, जिसे मनाली समझते हुए बोली, किसी तरह सीसर तक पहुंच जाओ। वेल एंड गुड, आगे बहुत है संभालने वाले।
अगर जरूरत महसूस करो कि तुम्हें बस छोड़ना है तो छोड़ देना, मैं तुमसे रابطے में हूँ, सेल फोन की हिफाजत करना, ओके ओके। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। राणा चरण उसकी तरफ तजस्सुस भरे अंदाज में देख रहा था। जसपाल ने उसका हाथ थपका, जिसका यही मतलब था कि वो पुरसकून रहे। उसे धीरे से सीट के साथ पुछ लगा ली, गोया उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था, बस अपनी महसूस रफ्तार से चलती चली जा रही थी। जसपाल की पूरी तवज्जो सड़क पर थी, उसके आसाब तने हुए थे, वो पूरी तरह तैयार था कि अगर पुलिस ने कहीं भी बस रोककर तलाशी शुरू कर दी तो वो पुलिस का सामना करने के लिए रुकेगा, भागेगा नहीं। उसने पूरी कोशिश की होगी कि शक न होने दे, लेकिन अगर उन्होंने शक की बिना पर भी उसे पकड़ लिया तो सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इंसान खुद को जितना मर्जी मजलूम समझे, बदले या इंतकाम में जिस हद से भी गुजर जाए, रद्दे अमल में जितनी मर्जी शिद्दत हो, जुर्म आहिर जुर्म होता है। इसका एहसास इंसान के आसाब पर हावी जरूर होता है। कोई भी शख्स गुनाह की नीयत से जुर्म नहीं करता, बल्कि उसके लिए कोई न कोई तुझी बहाना या वजह तलाश कर ली जाती है, तभी पूरी शिद्दत से जुर्म कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरह एक अच्छे काम की एक रूहानी खुशी होती है, उसी तरह जुर्म करने का भी एहसास मनफी असरात मरतब करता है। जसपाल इस वक्त इसी असर से गुजर रहा था, फिर वही हुआ जिसका वो मुंतजिर था। एक तवील कितार लगी हुई थी और पुलिस तलाशी ले रही थी। अब ये वक्त नहीं था कि वो मनाली से हदायत लेता फिरे। हम पंजाब और राजस्थान की सरहद पर हैं और यहाँ पुलिस की बहुत बड़ी चौकी है, राणा चंदन ने बुड़बड़ाते हुए से बताया, जिस पर जसपाल खामोश रहा। वो खुद को आने वाले वक्त और हालात के लिए तैयार कर रहा था। बड़ी और छोटी गाड़ियों की दो दो कितारें थीं, जिन्हें बड़ी तेजी से चेक किया जा रहा था। तभी वो पुलिस वाली इसी बस में आ गए। उन्होंने सभी सवारियों पर एक निगाह डाली। उनका अंदाज इंतहाई मशकूकाना था। जसपाल ने इन्हें उकताहट भरे अंदाज में देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। पुलिस वाले अभी तक गाड़ी ही में थे कि एक तेज तरार लड़का बस में आया। उसके पास हैंडीकैम था। उसने आनन फानन सब की तस्वीरें बनाई और उतर गया। इसके साथ ही वो दोनों बस पुलिस वाले भी उतर गए। बस रिंगने लगी। कुछ देर के बाद वो चौकी पार कर गए। तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई। अगरचे इतना लंबा सफर नहीं था कि कुछ खाने पीने की जरूरत महसूस हो, मगर ये ड्राइवर की मर्जी थी। उसने गाड़ी रोक दी। वो दोनों उतरे और एक अलग थलग मेज के करीब कुर्सियों पर जा बैठे। हम इस वक्त राजस्थान में हैं। पंजाब पुलिस का असर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खतरे से बाहर हैं। मुमकिन है यहाँ खुफिया वाले फिर रहे हों, राणा चरण ने कहा तो जसपाल ने उकता हुए अंदाज में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सिसर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। जब तक इस बस ने यहाँ से चलना है, मैं उस वक्त तक आपको सिसर पहुंचा सकता हूँ। वो काफी हद तक शोह अंदाज में बोला। वो कैसे? उसने खुशगवार हैरत से कहा, यहाँ बसों के अलावा कारें भी खड़ी हैं। लॉक कैसा हो मैं खोल लेता हूँ, बस आप सड़क तक चलें, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, हम निकल चलेंगे, सिसर में जाके छोड़ देंगे, राणा चरण ने फहरिया अंदाज में कहा और अपने पीले दांतों की नुमाइश कर दी। इस दौरान वेटर चाय का ऑर्डर ले गया। यार हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं, मनाली हमें कुछ बताएगी, इसके मुताबिक हमें आगे चलना है, तुम जरा सब्र करो, मैं देख लूंगा तुम्हारी महारत, जसपाल ने कहा और मनाली के नंबर मनाने लगा। चंद लम्हों बाद रब्ता हो गया। तभी वो परेशान लहने में बोली, बस मैं वो तुमसे रब्ता करने वाली थी, मैं दूसरी तरफ देख रही थी। वो मनाली तुम होश में हो? क्या परेशानी है? अभी तो कोई परेशानी नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि तुम सिसर पहुंच जाओ तो फिर आगे किसी के सुपुर्द कर दूं। मैं इसी रब्ते में लगी हुई थी। कब तक पहुंच रहे हो सिसर? उसने पूछा। यार मैं तो चाहता हूँ अभी और इसी लम्हे पहुंच जाऊं, लेकिन अब तो ये बस ड्राइवर पर मुनहसिर है कि वो हमें कब तक ले जाता है। तुम लोग वहां से जल्दी नहीं निकल सकते, ये राणा को कहो
कोई तगड़ाम लड़ाए। तुम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाओ, यही अच्छा है, वो तेजी से इस तरह बोली जैसे वो बेहद परेशान है। तुम बताओ बात क्या है परेशानी की, जसपाल ने कहना चाहा तो उसने बात काटते हुए कहा, राणा से बात करो, मैं उसे कहती हूँ। जसपाल ने फोन राणा की तरफ बढ़ा दिया, वो चंद लम्हे बाद सुनता रहा, फिर फोन बंद करके जसपाल को वापस दे दिया। उसके चेहरे पर बेहद संजीदगी आ चुकी थी। उसने जसपाल की बात नहीं सुनी बल्कि उसे कहा, जसपाल मेरे बाद उठकर सड़क के किनारे पहुंच जाना, मैं आता हूँ। बात क्या हुई है, उसने पूछा। बाद में बताता हूँ, उसने सुनी अनसुनी करते हुए कहा और उठ गया। जसपाल तजब्जुब में उठकर टहलने वाले अंदाज में उठ गया और चलता हुआ बस की ओर से सड़क की जाने बढ़ गया। ढाबे से सड़क तक का फासला कोई 200 गज था। उसे तो वहां तक पहुंचने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगा। उसे घूम कर देखा, राणा एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट के साथ लगा हुआ था। वो नए मॉडल की होंडा थी। चंद लम्हों के बाद वो इसमें बैठ चुका था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर तेजी से घूमता सड़क की जानिब बढ़ता चला आया। गाड़ी इसके करीब रुकी तो वो उसमें बैठ गया। राणा ने पैर उसी वक्त रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी नहीं थी इसलिए इसकी पिकअप भी बहुत अच्छी थी। कुछ देर के बाद वो तेज रफ्तारी से काफी दूर निकल आए। अब बताओ मनाली परेशान क्यों थी? शॉपिंग मॉल के सीसी कैमरों में तुम्हारी सारी कार्रवाई रिकॉर्ड हो गई है। इसमें सिर्फ तुम ही नहीं, मनाली भी वाजिया है। पुलिस उसे भी तलाश कर रही है। मनाली को अब घर आके पता चला? जसपाल ने तेजी से पूछा। हाँ, दरअसल तुम्हारी तस्वीर और नाम इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर चल रहे हैं। तुम्हें पहचान लिया गया है, इसलिए अब चंद दिन के लिए तुझे किसी महफूज ठिकाने पर रहना लाजमी है, राणा ने काफी हद तक तशवीश सदा लहजे में कहा। तो उसने अपने अंदर शिद्दत महसूस की। एकदम से जो खौफ इसके अंदर मौजूद था वो न जाने कहां गायब हो गया, वो बेखौफ हो गया। जब तक वो छुपा हुआ था उसके साथ खौफ भी बंधा हुआ था। अब अगर चैनल्स ने इसे दुनिया के सामने ला खड़ा किया था तो फिर खौफ किस बात का? आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी थी। वो यही सोच रहा था कि मनाली का फोन आ गया। क्या तुम पुलिस से महफूज हो? जसपाल ने उससे पूछा। मुझे जेर जमीन जाते इतना वक्त नहीं लगना, मैं अगले 10 मिनट में खुद को संभाल लूंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, जब तक तुम सेसर नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक तुम मेरी जिम्मेदारी में हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी तस्वीर और, उसने पूछना चाहा तो वो तेजी से बोली, मैं हाँ हाँ तुम्हें जहनी दबाव में नहीं लाना चाहती थी। अब इसलिए बताया है कि मुमकिन है वहां तुम्हें कोई पहचान ले और मुसीबत बन जाए। खैर छोड़ो इन बातों को, वो रविंदर सिंह एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और रिपोर्टर उससे बात कर रहे हैं। सुनो, ये कहते हुए उसने फोन टीवी के करीब कर दिया। कोई भारी आवाज में ठेठ पंजाबी में जुबान में उखड़े हुए लहजे के साथ कह रहा था, मुझे अभी इस कातिल की तस्वीर दिखाई गई है। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत पूरे प्लान के साथ मुझे और मेरे खानदान को मारने की कोशिश थी। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, इसमें गैर मुल्की मुदाहलत और शिद्दत पसंद तस्नीमों का पूरा पूरा हाथ है। मैं समझता हूँ कि ये हमें सियासत से अलग करने की साजिश है। मेरे दोस्तों दो बेटों को कत्ल किया गया, पुलिस ऑफिसर भी कुर्बान हो गए और एक बेटा हॉस्पिटल में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है। मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस गिरोह को तलाश किया जाए, 24 घंटे के अंदर इस कातिल को पकड़ा जाए, वरना मैं एहतजाजी तौर पर पार्लियामेंट के सामने धरना दूंगा। मेरे साथ मेरे सियासी दोस्त भी हैं, मैं इसमें हुकूमत की नाअहली समझूंगा कि वो कातिल को 24 घंटों में गिरफ्तार करके अगर कानून के हवाले न कर सकी। क्या हमारी सियासी और कौमी जज्बात का ये सिला दिया गया है कि एक बूढ़े बाप को अपने जवान बेटों की लाशें उठाना पड़े? क्या आप अपने बेटे की आखिरी रसूमात गांव में होंगी या यहीं चंडीगढ़ में, किसी ने सवाल किया। यहीं चंडीगढ़ में, कल इसी वक्त में पार्लियामेंट के सामने होगा। अगर कातिल ना पकड़ा गया मेरा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। उसके साथ ही शोर मच गया तो मनाली की आवाज उभरी, वो एयरपोर्ट से निकल गया है। ठीक है, मैं शहर के करीब पहुंचकर तुम्हें बताता हूँ।
जसपाल ने कहा तो वो बोली, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नाम नहीं गया है, सीसी कैमरे की तस्वीर में तुम इतने वाजिया नहीं हो, टेक केयर। ओके उसने कहा और फोन बंद कर दिया। उसके अंदर एक सुकून और तमानियत उतर आई थी, पहली बार उसने रविंदर सिंह की आवाज में इस अंदाज में सुनी थी जब वो टूटा हुआ था, पहली बार उसकी आवाज में तनतना था। इस बार वो किसी हारे हुए जवारी की मानिंद लग रहा था। उसकी फुफ्फो सुखजीत ने भी अपने परिवार के कत्ल पर ऐसा ही दुख महसूस किया होगा। वो एकदम माजी में पहुंच गया। आज अगर वो जिंदा होती तो अपने दुश्मन को टूटता हुआ देखकर किस कदर पुरसकून होती, मगर अभी ही इंतकाम पूरा नहीं हुआ था। वो रविंदर सिंह के चेहरे पर दहशत और खौफ की वो परछाइयां देखना चाहता था जिसकी उसे ख्वाहिश थी। वही लम्हात उसकी पूरी जिंदगी का हासिल थे और वो यही सोच रहा था कि राणा चरण की आवाज ने उसे चौंका दिया। सेसर शहर आ गया है, मनाली को बता दे। उसने फौरन फोन मिलाया और सूरतेहाल के बारे में बताया। जसपाल ने फोन लाउडर ऑन कर दिया था, राणा भी सुन रहा था। उसने शहर के बाहर ही एक जगह की निशानदेही की कि वहां इन्हें फोर व्हील जीप में दो आदमी मिलेंगे। उसने जीप का नंबर भी बता दिया, वो जिधर ले जाएं चुपचाप उनके साथ चले जाएं। चंद लम्हों के बाद उसने फोन नंबर और जीप का नंबर भी भेज दिया। जसपाल ने फौरन ही इस नंबर पर रابطہ किया तो दूसरी तरफ से जरा मुख्तलिफ लहजे लेकिन पंजाबी ही में जवाब मिला और उनका रابطہ हो गया, तो जसपाल काफी हद तक मुतमईन हो गया। शहर में दाखिल होने से जरा कबल एक बड़ा सा चौराहा था, वो इसी चौराहे पर खड़े थे। वो दोनों कद आवर नौजवान थे, एक जरा सेहतमंद और दूसरा दुबला पतला। दोनों के नकुश तीखे थे। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से इनकी कार को देखकर हाथ हिलाया। उनके अकब में वही फोर व्हील जीप खड़ी थी। उन्होंने गाड़ी करीब ले जाकर एक तरफ खड़ी कर दी और उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने हाथ मिलाया, फिर सेहतमंद नौजवान बोला, मैं राव बरयाम सिंह और ये राव हरनाम सिंह। अब आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चलो गाड़ी में बैठो। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट की जाने बढ़ गया, दूसरा आगे वाली पैसेंजर सीट पर विराजमान हो गया। जब जसपाल और राणा पिछली नशीस पर सुकून से बैठ गए, जीप चली तो बरनाम बोला, मजा आ गया जी आपको देख के, टीवी पर तो आपका फोटो बड़ा ही मद्दम नजर आवे था, जवान हो तो ऐसा जी, पुलिस को हला के रख दिया आपने, हुकूमतें ढूंढ रही हैं आपको। वो तो ठीक है लेकिन अब हमने जाना कहाँ है, जसपाल ने पूछा। दो घंटे दे दो हमें बस, सूरतगढ़ में अपना घर है, बापू आपका इंतजार कर रहा है बड़ी शिद्दत से, आपके बगैर रोटी नहीं खाने वाले, आप सुकून करो, वरयाम ने कहा तो वो बहुत हद तक मुतमईन हो गया। आसाब को शल कर देने वाले हालात में जरा सुकून मिला तो उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो गई। उसने फौरन राणा को थमाया फोन और आंखें बंद कर ली, फिर वो नींद में डूबता चला गया। जसपाल की जिस वक्त आंख खुली तो गाड़ी के बाहर का मंजर बदल चुका था। वो बेहतरीन शाहरा थी जिसके दोनों तरफ रेत थी, बहुत कम आबादी थी। वो कुछ देर देखता रहा फिर सीधा होकर बैठ गया। उसे जागता देखकर हरनाम ने खुशगवार लहजे में कहा, जाग गए जी, बड़ी गहरी नींद सोए जी, लगता काफी थकन थी। हाँ ऐसा ही है, ये कहकर उसने पूछा, हम कहाँ तक आ गए हैं? यही घर से 15-20 मिनट के फासले पर, आप 2 घंटे सोए हैं, उसने हल्का सा कहका लगाया। तभी जसपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मेरे ख्याल में जिस वक्त मनाली ने आपसे राब्ता किया होगा उससे लेकर अब तक आपसे मिलने में आधा घंटा लगा होगा, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? पहली बात तो ये है, हम किसी मनाली को नहीं जानते और ना ही हमारी उससे बात हुई है, वरयाम ने कहा। तो जसपाल को एकदम से झटका लगा जबकि वो सामने मुंह किए रवानी से कहता चला जा रहा था, बापू ने फोन करके आप लोगों के बारे में बताया, हम यहाँ बकाया लेने के लिए आए हुए थे, अपना बिजनेस पूरे राजस्थान में, ना हम ना होते तो आपको हमारे मुलाजमीन ले जाते। मनाली ने अगर बात नहीं की तो, उसने पूछा। तो वरयाम दरमियान में ही बोला, ये बापू ही जाने,
उसके यूं कहने पर जसपाल ने राणा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी काफी हद तक परेशानी के आसार नमूदार हो गए थे। अब वो पता नहीं कौन थे, दोस्त या दुश्मन। वो अनजाने में किसके हत्थे चढ़ चुके थे। अगर वो दुश्मन साबित होते तो बचाव बहुत मुश्किल था। अनजानी जगह और अनजाने लोग, लेकिन न जाने क्यों इसका दिल मुतमईन था। अगर वो दुश्मन होते तो उसे यूं सुकून से सोना नसीब न होता और उसके पास जो पिस्टल था वो अभी तक छीन लिया गया होता। वो गाड़ी में नहीं, कहीं बंदा पड़ा होता। वो इसी शशोपंज में था कि सूरतगढ़ शहर आ गया। सामने ही साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था, उसने अंग्रेजी में पढ़ लिया था, वरियाम ने शहर में दाखिल होने की बजाय दाएं जाने वाला एक रास्ता एहतियार किया। जसपाल सुकून से बैठा रहा। शहर के मसाफात में एक बड़ी हवेली के गेट पर जीप आन रुकी। उन्हें देखते ही गेट फौरन खुल गया। वो जीप पोर्च में ले गए। काफी खुली हवेली थी, सब्जा ज्यादा था। वो इन दोनों भाइयों के साथ चलता हुआ हवेली के ड्राइंग रूम में आ गया। अंदर से हवेली वही हिंदुआना तौर पर गोलाई में थी। गोल सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। दालान और बरामदे बने हुए थे। सामने ही सोफे पर सफेद धोती कुर्ता पहने, कांधे पर सुनहरी चादर डाले, हशहशी दाढ़ी और बड़ी मूंछों वाला, जिसके सर के बाल बिल्कुल साफ थे, मोटे नकुश और सेहतमंद जिस्म वाला राव बच्चन सिंह बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही खड़ा हो गया। आओ आओ जसपाल, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। भाई बातें बाद में, आओ पहले खाना खाते हैं। मुंह हाथ धो के आ जाओ भाई, बच्चन सिंह ने बेतकल्लुफ अंदाज में कहा। तो जसपाल को कदरे सुकून मिला। जो वो समझ रहा था वैसा नहीं था। इस वक्त वो खाने की मेज से उठ गए थे और गपशप के लिए सुकून से आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए थे, जब बाहर से एक मुलाजम ने एक चिट लाकर बच्चन सिंह को दी। उसने चिट पर नजर डाली ही थी कि परेशान हो गया, मगर ये तासर एक लम्हे के लिए आया फिर गायब हो गया। उसने एक निगाह जसपाल पर डाली, फिर अपने बड़े बेटे वरियाम की तरफ देखकर कहा, जसपाल और राणा को अंदर कमरे में ले जा और जब तक मैं न कहूं बाहर नहीं आना। सारी बातें गौर से सुननी है ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। ये कहकर अपने मुलाजम से आने वाले लोगों के अंदर ले आने के लिए कहा। वो लोग फौरन ही साथ वाले अकबी कमरे में चले गए, जहां के की होल से वो बाहर का मंजर देख सकते थे। कुछ देर के बाद तीन लोग अंदर आए। उनमें से दो उधेड़ उम्र और एक नौजवान था। तीनों ने ग्रे रंग के सफारी सूट पहने हुए थे। वो तीनों बच्चन सिंह के साथ बड़े तपाक से मिले। उन्हें बिठाया और बच्चन सिंह ने पूछा, क्या लोगे आप, ठंडा या चाय? कुछ नहीं राव साहब, बस आप जसपाल को हमारे हवाले कर दें, जो अभी पंजाब से भागकर आपके पास आया है, उनमें से एक उधेड़ उम्र बंदे ने कहा। आप लोग सीबीआई में हो, मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई पंजाब से भागकर मेरे पास आया है। आप लोग ये कैसे कह सकते हो, बच्चन सिंह ने बड़े नरम लहजे में कहा। देखिए राव साहब, वो एक जुनूनी कातिल है। आज सुबह उसने कत्ल किया और चंडीगढ़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने एक जगह कार छोड़ी और दूसरी जगह से कार चोरी की। इस तरह उनके रास्ते की निशानदेही होगी। सीसर से वो जिस गाड़ी में आए थे वो आपके पोर्च में खड़ी है। अब इससे बड़ा सबूत हम क्या दें, उस शख्स ने जवाब दिया। देख मेरे भाई, यहाँ कोई भाग कर नहीं आया। आप लोगों को गलत फहमी होगी है, उस गाड़ी को तो मेरे बच्चे लोग गाड़ी करके आए हैं। सेसर से उसने फिर नर्म लहजे में जवाब दिया। तो नौजवान ने तेजी से कहा, तो क्या फिर हम हवेली की तलाशी ले लें? ओए बात सुन, बच्चन सिंह एकदम गर्म हो गया। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि मेरी हवेली की तलाशी ले सके। तेरे जैसे कई सीबी वाले मेरी जीप में हैं। तू हुकूमत का मुलाजिम है तो हम हुकूमत चलाने वाले हैं। कह दिया है नहीं है तो नहीं है। सॉरी राव साहब, ये बच्चा है, इसे नहीं मालूम, माफ कर दें। असल में शायद आपको नहीं मालूम कि वो हमारे तीन बंदों को कत्ल कर चुका है। इसके अलावा एमएलए के बेटे को भी, उधेड़ उम्र ने कहना चाहा। तो बच्चन सिंह बोला, देख मेरे भाई, मैं बहस का आदी नहीं। मैंने आप लोगों से जो कह दिया सो कह दिया।
बाकी मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर लेता हूँ। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अहतमाम को पहुंचा। कार के साथ लग के खड़ा था, लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला और जसपीर आगे और उसके गार्ड पीछे पीछे बाहर आ गए। जसपाल ने पहले एक गार्ड के सर पर फिर दूसरे गार्ड का निशाना लिया। दोनों ही डकारते हुए ढेर हो गए। हास बाख्ता आंखों से, हैरत से, फटी फटी निगाहों से वो जसपाल को देख रहा था। उसने बमुश्किल कहा, कौन हो तुम? जसपाल ने जवाब नहीं दिया बल्कि उसके माथे पर पिस्टल रखकर फायर कर दिया। यकीनन जसपीर के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जाते जाते उसने एक और फायर कर दिया। जसपाल जिस राहदारी से आया था उसकी मुहालत समत राहदारी में भाग खड़ा हुआ। राहदारी से निकलते ही वो नॉर्मल हो गया और सीढ़ियों की लिफ्ट की जाने बढ़ा। तब तक सारे शॉपिंग मॉल में हलचल मच चुकी थी। उसने एकदम से नीचे जाने का इरादा तर्क कर दिया। वो सीधा बढ़ा और बाहर वाली दीवार में लगा शीशा तोड़ दिया। वो तकरीबन जमीन 12 से 14 फुट के फासले पर था। वो शीशे की दीवार में से बाहर निकलने लगा और फिर उस दीवार के साथ लपकता हुआ नीचे उतरने लगा। जिस वक्त उसके पांव जमीन से लगे, ऊपर से फायर हुआ, वो तेज रफ्तारी से भागा। न जाने कहां से वो लड़के निकलकर आए और उसके ऊपर फायर करने लगे। एकदम से गोलियां बरसने लगी, मगर इसके साथ साथ वो शॉपिंग मॉल से सड़क की तरफ भाग रहे थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।